हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रट्टू तोता। माय सेल्फ सचिन गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन इट्स टाइप। या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू नो इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन सिंगल इनहेरिटेंस, या पूछ लिया जाएगा आपसे कोई एक पर्टिकुलर इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। हम सारे तरीके देखेंगे एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी टू रीयूज द फीचर्स ऑफ बेस क्लास। ओके, इट इज एन एबिलिटी टू रीयूज द फीचर्स ऑफ बेस क्लास। इसका मतलब यह है, सपोज कीजिए आपके पास एक क्लास गिवन है जिस क्लास का नाम है ए। इस क्लास के अंदर कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस या मेंबर्स डिफाइन है। सपोज कीजिए उसका नाम है एक्स। अब मैं चाहता हूँ एक इस दूसरी क्लास क्रिएट करना जो कि इसके जो एक्स मेंबर्स हैं उनको मैं रीयूज करूँ। मतलब ये जो क्लास है बी, आप इसके फीचर्स को यूज़ करना चाहते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं बी के अंदर एक्स की कोडिंग रीराइट करूँ। अगर मुझे x के फंक्शंस को, x फंक्शन को यूज़ करना है, तो पहला तरीका तो ये है कि x की कोडिंग को मैं रीराइट करूं। दूसरा तरीका ये है कि जो a क्लास है उसका जो x फंक्शन है उसको रीयूज़ करूं। ओके, तो जो आपका इनहेरिटेंस है वो बेसिकली इस सेकंड पॉइंट पे एम्फसाइज करता है कि आपके पास एक ऑलरेडी क्लास होगी, एग्जिस्टिंग क्लास होगी, उस एग्जिस्टिंग क्लास के जो फंक्शंस हैं उनको आपको पर्टिकुलर दूसरी क्लास के अंदर, न्यूली क्रिएटेड क्लास के अंदर आपको एक्सेस करना है, यूज करना है। तो रीयूज करने से सबसे बड़ी चीज कि आपका टाइम सेव होगा। ओके, तो किस तरह से आप इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारा की सारा हम यहां पर पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस जो होता है वो आपका बेसिकली 5 टाइप का होता है। कौन कौन से? पहला होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये रहा आपका सिंगल इनहेरिटेंस, ये आपकी है बेस क्लास, बेस क्लास, और ये है आपकी ड्राइव क्लास ए बी। यह है आपका सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक सिंगल बेस क्लास होगी और एक सिंगल ड्राइव क्लास होगी। ओके, तो किस तरह से इसको यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सेकंड जो टाइप होता है, यह है पहला टाइप। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल बेस क्लास होती है और एक सिंगल ड्राइव क्लास होती है। यह है आपकी मल्टीपल बेस क्लास ए बी सी, और ये है आपकी ड्राइव क्लास। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल लें, सपोज कीजिए ये है पेरेंट्स, पेरेंट क्लास। ओके, ये है चाइल्ड क्लास। ओके, अब पेरेंट में, पेरेंट के फीचर्स डेफिनेटली चाइल्ड के अंदर आते हैं और कुछ उसके एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। एग्जांपल लें, जैसे कोई न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है तो ये बोलते हैं कि इसकी जो आईज हैं वो पापा पर गई हैं, इसकी जो नोज़ है वो मम्मा पर गई हैं। तो यानी कि वो जो फीचर्स थे जो मम्मा पापा के अंदर थे, कुछ फीचर्स आपके चाइल्ड के अंदर आ गए। ओके, साथ में ये बोलते हैं कि इसकी आँख, इसकी नाक थोड़ी बड़ी है, तो यानी कि उसका जो खुद का एक्स्ट्रा फीचर्स था वो भी आपके इस चाइल्ड क्लास के अंदर आ गए। यानी कि जो ए के सारे फीचर्स थे वो इनहेरिट हो गए। ओके, और बी के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो इस बी क्लास के अंदर हैं। तो दिस इज माई पेरेंट क्लास एंड दिस इज माई चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास के लिए जरूरी है, मस्ट है कि पेरेंट क्लास एग्जिस्ट होना चाहिए। इसी तरह से न्यू बॉर्न बेबी के लिए जरूरी है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो होंगे, तभी न्यू बॉर्न बेबी क्रिएट होगा। तो इसी तरह से आपके इस क्लास के लिए जो चाइल्ड क्लास है या ड्राइव क्लास है, इसके लिए बेस क्लास का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है।
नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल क्लास। मल्टीपल क्लास बोले तो कि इस ये कहते हैं हम मदर, नेक्स्ट हो गया आपका फादर, और नेक्स्ट हो गया आपका ग्रैंडफादर। ओके, इनसे एक चाइल्ड, मतलब कुछ फीचर्स उसके माँ से हैं, कुछ फीचर्स उसके पापा से, और कुछ फीचर्स उसके दादा से। इसके बाद एक सिंगल क्लास बनी है, डेट इज चाइल्ड। ओके, दिस इज माय मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो है इनहेरिटेंस, जस्ट रिवर्स है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, डेट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि सिंगल बेस क्लास होगी, ओके, एंड मल्टीपल ड्राइव क्लास होंगी। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, यानी कि एक पेरेंट्स के थ्री चिल्ड्रन, इसके फीचर्स कुछ इसके अंदर आएंगे, इसके फीचर्स कुछ इसके अंदर आएंगे, इसके फीचर्स कुछ इसके अंदर आएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट है जो भी नोट करने लायक है। सपोज कीजिए इस क्लास के फीचर्स हैं एक्स वाई जेड, ओके, तो जरूरी नहीं है इसके अंदर भी एक्स वाई जेड हो, इसके अंदर भी एक्स वाई जेड हो, इसके अंदर भी एक्स वाई जेड हो, नहीं तो फिर क्या होगा, ये आपके क्या हो गए, सेम चिल्ड्रन हो गए। ओके, तो इस केस में क्या होता है, हो सकता है कि एक्स ही हो सकता है एक्स एंड वाई हो फीचर, हो सकता है इसके अंदर एक्स वाई जेड हो, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, जेड भी हो सकता है आपका, एक्स जेड भी हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, या हो सकता है एक भी फीचर ना हो। ओके, इसी तरह से इसके अंदर एक्स भी एक फीचर हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, इसी तरह से इसके अंदर एक्स वाई जेड कोई भी एक पर्टिकुलर फीचर हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो है टाइप वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाम से ही पता लग रहा है, मल्टी लेवल मीन्स एक से ज्यादा लेवल। तो किस तरह से होगा, सपोज कीजिए ये है आपके पास फोर्थ टाइप, डेट इज मल्टी लेवल। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन में आरटीयू एग्जाम्स में टू लेवल इनहेरिटेंस ही पूछा जाता है। ओके, टू लेवल, वैसे उसको थ्री लेवल भी बना सकते हैं, फोर लेवल भी बना सकते हैं, लेकिन आईटीयू एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हमेशा टू लेवल ही पूछा जाएगा आपसे। तो किस तरह से, सपोज कीजिए ये आपके पास ए क्लास है, इसके फीचर्स कुछ इनहेरिट हुए बी क्लास के अंदर, और इसके फीचर्स कुछ इनहेरिट हुए सी क्लास के अंदर। ओके, तो ये कह सकते हैं ये हो गए आपके ग्रैंडफादर, इनके कुछ फीचर्स आएंगे आपके फादर के अंदर, ओके, और इनके कुछ फीचर्स आएंगे आपके चाइल्ड के अंदर। टू लेवल मतलब ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया। अगर हम बात करें, दैट इज, दिस इज माय बेस क्लास, दिस इज माय इंटरमीडिएट क्लास, एंड दिस इज माय चाइल्ड क्लास। ओके, फाइन, तो कुछ फीचर्स इसके अंदर आएंगे, इसको आप और लेवल में बना सकते हैं, एक और नेक्स्ट क्लास बना दीजिए डी। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स होंगे, सपोज कीजिए एक्स, ओके, इसका फीचर एक्स तो इनहेरिटेड हुआ, प्लस वाई खुद का है, इसके अंदर एक्स एंड वाई इनहेरिटेड हुए, प्लस जेड खुद का है। सो दिस इज हाउ द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क्स। लास्ट है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाम से ही पता लग रहा है, हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो किस तरह से हो सकता है वो, सपोज कीजिए ये आपके पास एक क्लास है, दिस इज माय ए बी C, D, E एंड F, दिस इज माई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सो अगर हम इन दो क्लास की बात करें, A एंड B, सो दिस इज माई सिंगल इनहेरिटेंस। अगर मैं A, B, C इन तीनों की बात करूं, दिस इज माई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
अगर मैं इसकी बात करूं सी एफ डी, सो दिस इज वॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ओके, सो दीज आर द फाइव बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट कैन बी यूज इन इनहेरिटेंस टॉपिक. अब आपसे कुछ भी एक पर्टिकुलर इनहेरिटेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ, तो उस एग्जाम्पल को लिखने से पहले जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है स्ट्रक्चर या सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह से आप स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. तो उसको यूज करने से पहले एक बेसिक सिंटेक्स है वो हम देखेंगे कि किस तरह से आप सिंटेक्स को यूज करेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम एक एक एग्जाम्पल को हम उठाएंगे और एक एक एग्जाम्पल को हम करेंगे. तो देखिएगा, सपोज कीजिए आपने एक क्लास बनाई बेस क्लास, उस क्लास का नाम है बेस, ये आपका कीवर्ड हो गया, ये हो गई बेस क्लास. ये क्लास यहां पर एंड हो गई. ओके, ये क्लास मेरी यहां पर एंड हो गई. कुछ इसके अंदर मेंबर फंक्शंस हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं. अब नेक्स्ट क्लास आपने क्रिएट की जो कि होगी आपकी ड्राइव क्लास, उस क्लास का नाम है ड्राइव्ड. फाइन, अब मैं बता रहा हूं आपको किस तरह से सिंटेक्स लिखेंगे. सबसे पहले आएगा कीवर्ड, देन आएगा क्लास का नाम ड्राइव्ड. ओके, देन कॉलन, आफ्टर दैट विजिबिलिटी मोड. ओके, नेक्स्ट आएगा आपके पास विजिबिलिटी मोड. अब विजिबिलिटी मोड जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो होगा पब्लिक, या होगा प्राइवेट, और थर्ड है या होगा प्रोटेक्टेड. ओके, आफ्टर दैट द नेम ऑफ द क्लास बेस क्लास इज टेकन हेयर, दिस इज माई बेस. ओके, एंड देन राइट कोड. अब इसके अंदर जो फीचर्स लिखेंगे, इसके अंदर खुद के फीचर्स लिखेंगे, डेट इज ड्राइव क्लास, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपके बेस क्लास के जो फीचर्स हैं वो इनहेरिट हो गए हैं. अगर आपने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल ये लिखा बेस, तो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी मोड होता है वो होता है प्राइवेट. तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, प्राइवेट, यानी कि बेस क्लास के जितने भी फीचर्स हैं वो ड्राइव क्लास के अंदर प्राइवेटली इनहेरिट हो रहे हैं. अगर मैंने लिखा पब्लिक, तो यानी कि जितने भी मेंबर फंक्शन है बेस क्लास के वो सारे के सारे ड्राइव क्लास के अंदर पब्लिकली इनहेरिट हो रहे हैं. अगर मैंने लिखा प्रोटेक्टेड, तो जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर प्रोटेक्टली इनहेरिट हो रहे हैं. तो किस तरह से आप एक स्टेबल को याद रखेंगे वो देखते हैं एक बार. तो किस तरह से होगा, देखिए किसी भी क्लास के अंदर तीन तरह के विजिबिलिटी मोड होते हैं. ये हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं. किसी भी क्लास के अंदर तीन तरह के विजिबिलिटी मोड होते हैं. पहला होता है आपका पब्लिक, तो मैं लिख लेता हूं, यानी कि मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो होगा प्राइवेट. ओके, किसी क्लास के अंदर जो विजिबिलिटी मोड है वो तीन तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. ओके, ये हो गए मेंबर फंक्शन की विजिबिलिटी, मेंबर फंक्शन की विजिबिलिटी. उसके बाद आपने सबसे पहले जो ये क्लास है, क्लास ड्राइव्ड लिखा, और फिर लिखा आपने प्राइवेट एंड बेस. ओके, तो यहां पर लिख लेता हूं प्राइवेट डेरिवेशन. नेक्स्ट लिखता हूं मैं पब्लिक डेरिवेशन.
मतलब इसकी वैल्यू प्राइवेट की जगह मैंने पब्लिक कर दी, और नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं प्रोटेक्टेड डेरिवेशन। ओके, ये टेबल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइवेट हमेशा, इट इज अ फंडामेंटल रूल इन ऊप्स, प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होते, प्राइवेट इज मेंट फॉर ओनली वन क्लास। ओके, तो जब भी आपने किसी क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर फंक्शन लिख दिया, यानी कि वो फर्दर क्लासेस में इनहेरिट नहीं होंगे। इसका मतलब ये जो प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, ये चाहे मैं यहां प्राइवेट लिखूं तो भी इनहेरिट नहीं होंगे, पब्लिक लिखूं तो भी इनहेरिट नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड लिखूं तो भी इनहेरिट नहीं होंगे। प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर नॉन इनहेरिटेबल, इट इज अ फंडामेंटल रूल, दे आर मेंट फॉर ओनली सिंगल क्लास। तो लिख देता हूं मैं नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड, और यहां पे भी लिख दीजिए नॉट इनहेरिटेड। ओके, नेक्स्ट ये है पब्लिक। अगर सपोज कीजिए बेस क्लास के अंदर कोई एक फंक्शन है जो कि है पब्लिक, अगर मैंने ड्राइव क्लास के अंदर ये लिख दिया प्राइवेट बेस, तो बेस क्लास का जो पब्लिक फंक्शन है वो यहां पर चेंज हो जाएगा और उसका विजिबिलिटी मोड हो जाएगा आपका प्राइवेट। ओके, वापस से मैं बताता हूं। सपोज कीजिए ए क्लास है, बेस क्लास, जिसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है जिसका विजिबिलिटी मोड है पब्लिक। ओके, अब मैंने ड्राइव क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने ये लिख दिया प्राइवेट, मतलब बेस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्राइवेटली इनहेरिट हो रहे हैं, प्राइवेटली ड्राइव हो रहे हैं, तो जितना भी बेस क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर फंक्शन होंगे उनका विजिबिलिटी मोड इस क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, प्राइवेट। उसी तरह से अगर इस क्लास के अंदर कोई भी प्रोटेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा आपका, प्राइवेट। फाइन, मतलब चाहे पब्लिक हो चाहे प्रोटेक्टेड हो, अगर आपने प्राइवेटली इनहेरिट किया है बेस क्लास को तो पब्लिक भी प्रोटेक्ट प्राइवेट हो जाएगा और प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट तो कभी इनहेरिट होता ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पब्लिक। अगर सपोज कीजिए मैंने यहां पर पब्लिक लिखा, ओके, अगर मैं पब्लिक लिखता हूं तो इस क्लास के अंदर जो पब्लिक मेंबर है बेस क्लास के अंदर वो सारे के सारे रहेंगे एज इट इज पब्लिक। ओके, और जितने भी प्रोटेक्टेड है वो एज इट इज हो जाएंगे प्रोटेक्टेड, देयर विल बी नो चेंज इन विजिबिलिटी मोड, मतलब जितने भी पब्लिक थे वो पब्लिक रहेंगे, जितने भी प्रोटेक्टेड है वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटेक्टेड की, अगर मैंने पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड लिख दिया तो क्या होगा, तो जितने भी पब्लिक है वो क्या हो जाएंगे आपके, प्रोटेक्टेड, और जितने भी प्रोटेक्टेड हैं वो आपके प्रोटेक्टेड। यानी कि इस टेबल से हम ये भी समझ सकते हैं जो हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है वो रहती है आपकी प्राइवेट के पास, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं पहली बात तो वो इनहेरिट होते नहीं अगर प्राइवेट हैं, और अगर प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिक भी प्राइवेट हो जाएगा और प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाएगा। अगर हम पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर्स तो कभी इनहेरिट होंगे नहीं, लेकिन पब्लिक मेंबर्स बिकम्स पब्लिक इन ड्राइव क्लास एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। नेक्स्ट, अगर हम प्रोटेक्टली इनहेरिट कर रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर्स कभी इनहेरिट नहीं होंगे, पब्लिक मेंबर्स बिकम्स प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिमेन्स प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। सो दिस इज द बेसिक टेबल, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो आपको इनहेरिटेंस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो याद रखिएगा ये एक बेसिक टेबल है, प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते, ये फंडामेंटल रूल है। इनहेरिटेंस में हमेशा बच्चे इस बात पे गलती करते हैं कि प्राइवेट को भी इनहेरिट कर लेते हैं, तो जब भी कोई मेंबर प्राइवेट होंगे तो वो इनहेरिट नहीं होंगे, ये टेबल आप देख लीजिए। थैंक यू।